दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जो आपके ट्रैक्टर अभी सामने खड़ा हुआ है न्यूलैंड का 3630 सुपर प्लस 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है नए स्टिकर के साथ में। और ये जो एजेंसी के ओनर हैं इनसे भी आपको मिलवाएंगे, पूरी जानकारी देंगे वीडियो में। तो सर अपना परिचय एक बार आप सबसे पहले दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सुप्रीत सिंह है जी, और मैं न्यू हॉलैंड कोटाबूंदी देखता हूँ और डीलर हूँ कोटाबूंदी। एजेंसी का क्या एड्रेस है इसका वो बता दीजिए। एजेंसी का ज़्यादातर किसान तो खैर जानते हैं, पर अपनी जो मेन बामाशाह मंडी है कोटा की, मेन बामाशाह मंडी रोड पे ही अपना हॉलैंड का शोरूम। अच्छा, कोटा में बरार इंटरप्राइजेज, ठीक है सर, ये शोरूम है। तो दोस्तों ट्रैक्टर में क्या क्या बदलाव हुए हैं 2024 में, एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहले अपन साइड से शुरुआत करेंगे, तो एक तो इसमें साइलेंसर बार को आ गया है सर, है ना, पहले अंदर आता था ये। पहले ये साइलेंसर बीच में से आता था। अच्छा, बोनट के अंदर से। कस्टमर्स की डिमांड थी कि भाई साइलेंसर को बाहर से किया जाए, क्योंकि इसमें साइलेंसर था वो मोटा भी था जी, और विजिबिलिटी का काफ़ी इशू आता था कई किसानों। हाँ, उसमें विजिबिलिटी अफेक्ट होती थी थोड़ी सी, उस वजह से एक तो ये इकोनॉमिक थोड़ा सा चेंज आ गया है, और साइलेंसर बार को आ गया है। इसमें साइलेंसर चेंज है, आवाज भी चेंज है इसकी। अच्छा, आवाज भी चेंज है पहले से। ये टर्बो थोड़ी ट्रैक्टर, टर्बो नहीं है, पर पहले से थोड़ी सी मफल्ड हो गई है। अच्छा, थोड़ी सी आवाज कम कर दो। तो सुपर प्लस है, 3630 का स्टिकर यहाँ पे दे रखा है, न्यूलैंड का यहाँ पे स्टिकर ही देख लो आप। स्टिकर्स भी जो है, स्टिकर चेंज करें, जो पहले अपने 5630 टर्म 4 सीरीज के स्टिकर कंपनी अब आपको 3630 में भी देने लग गई है। अच्छा, जितने भी मॉडल्स हैं आपको स्पेशल एडिशन को छोड़ करके आपको सब में टर्म 4 वाले स्टिकर्स और नए, ये इसमें नए स्टिकर मिलेंगे आपको। ठीक है, TX का स्टिकर यहाँ पे दे रखा है, इसके ये जो हेड लैम्प है बाहर के, ये बाहर को आते हैं, और LED इसमें DRL यहाँ पे आती है इस तरह। इसी के साथ में सुपर प्लस का स्टिकर ये दे रखा कंपनी ने यहाँ पे, नए स्टाइल में 5620 वाले स्टाइल में ये मिलेगा। और ये अपने 4 सिलेंडर में आता है, 3 सिलेंडर, 3 सिलेंडर में आता है, बोस कंपनी के पंप के साथ में। ठीक, बोस कंपनी का इनलाइन पंप आता है, 2931 50 HP का ट्रैक्टर है ये चेक कर लो। फ्रंट के अगर टायर की बात करें तो 9524 के इसमें फ्रंट के टायर मिलने वाले हैं MRF कंपनी के, और ये देख सकते हो आप इस तरह से। और बैक के टायर 1628 के, ठीक है सर, MRF कंपनी के बैक के 1628 के ये आपको टायर यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इंडिकेटर LED मिलेंगे, आप देखेंगे जो स्पेशल एडिशन में इंडिकेटर आते थे अब आपको इसमें LED इंडिकेटर आने लग गए। LED इंडिकेटर, LED DRL मिल जाएंगे जी, इस जगह पर हेड लैम्प में आपको DRL मिल जाएंगे LED। अच्छा, और आपको जो मडगार्ड पे दिए हुए आगे वो भी इंडिकेटर आपको LED मिलेंगे। ठीक, और ये 25 ईयर की यहाँ पे स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है, 25 ईयर न्यूलैंड इंडिया में 25 साल हो गए जी ट्रैक्टर में, तो उसका स्टिकर भी यहाँ पे लगा हुआ है। सीट इस में एडजस्टेबल मिलेगी, बिल्कुल एडजस्टेबल सीट है इसमें, आप हाई लो पीछे, अच्छा, आगे पीछे सॉफ्टनेस तीनों तरीकों से आप सीट। हाई लो मीडियम में ट्रैक्टर है, हाई लो मीडियम में जी, इसका सिंक्रोमैक्स आपको सिंक्रोमैक्स है ना। ठीक, और जो ये कैनोपी इसमें मिलती है कंपनी फिटेड है, ये कंपनी फिटेड ROPS कैनोपी आपको मिलती है विद फ्रेम एंड कैनोपी आपको साथ में इसके मिलती है। अच्छा, बाकी ट्रैक्टरों की अगर तुलना में देखें तो ये ज़्यादा सेफ बताई जाती है, ज़्यादा सेफ, सबसे ज़्यादा सेफ। जैसे अगर आप पीछे से देखेंगे तो जो यू पाइप है जी वो सीधा आपका एक्सल से कसा हुआ है, पूरा एक्सल से कसा हुआ है, और 4 वोल्ट इधर, तो आपका यू पाइप पूरी तरीके से एक्सल से बंधा हुआ है जी, और आपके यू पाइप के ऊपर मडगार्ड कसे हैं। अच्छा, यू पाइप के ऊपर मडगार्ड कसे हुए हैं, और ये पूरा एक्सल से जॉइंट है, ये देख सकते हो आप, ये देख लो पूरा। अगर आप जैसे आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो आफ्टर मार्केट क्या होता है कि मडगार्ड आपके एक्सल पे कसे हुए हैं और मडगार्ड के ऊपर यू पाइप कसाई में आता है। इसमें दूसरा सिस्टम है, बिल्कुल, इसमें आपको कंपनीज को ROPS कहती है, रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम के नाम से आता है। अच्छा, तो ये पूरा हैवी ड्यूटी एक्सल भी आप चेक कर लो, और इसमें साथ में सीट बेल्ट मिलती है। सीट बेल्ट इसमें, हाँ, सीट बेल्ट आपको साथ में मिलती है। अगर मान लो आपका ट्रैक्टर पलटियाँ भी खा जाता है, 4-5 पलटी भी जी, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिलती, अगर आप इसको कहो कि 1 इंच भी इधर उधर हो जाएगी और सीट बेल्ट लगी है, तो किसान ड्राइवर जो भी ट्रैक्टर को चला रहा है वो हमेशा सेफ रहेगा वो इसमें ना, इसमें सेफ्टी ज़्यादा है। और इसी के साथ में 6 साल की वारंटी का स्टिकर यहाँ पे कंपनी लगा के दे रही है। बैक के इंडिकेटर भी LED मिलने वाले हैं, न्यूलैंड एग्रीकल्चर का स्टिकर यहाँ पे है। 6 साल 6000 घंटे की टी वारंटी मिलती है आपको। अच्छा, टी वारंटी अभी इंडिया में कोई ट्रैक्टर आपको देगा। इसमें ट्रैक्टर के किस किस पार्ट की मिलेगी वो भी आप बता दीजिए। इसमें आपको इंजन की, इंजन गियरबॉक्स की और लिफ्ट की, इन सब चीज़ों की 6 साल 6000 घंटे की टी वारंटी मिलेगी। टी मतलब अगर आप 2 साल या 3 साल ट्रैक्टर चला करके बेच भी देते हैं जी, यार मेरे को बड़ा वाला न्यू हॉलैंड का कोई ट्रैक्टर लेना है,
तो अगले 3 साल की जो वारंटी बाकी है आपकी, वो अगले जो सेकंड पार्टी होगी उसको भी मिलेगी। अच्छा, वो एक्सटेंड उधर प्लस हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो 6 साल पूरी मिलेगी, भले से 5 ओनर बदल जाए, भले से हर साल में 1 ओनर बदल जाए, पर इसकी 6 साल की गारंटी वारंटी आपको पूरी मिलेगी। अच्छा सर, बाकी ट्रैक्टर का पूरा बैक लुक है, फुल बैक लुक, ये भी आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। पीछे से भी इंडस्ट्री में सबसे लंबा इसका लिंकेज सिस्टम आता है, अगर आप देखेंगे तो सबसे लंबी लिंकें इसमें आती हैं जी। लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है सब इसकी? लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी 2000 किलो प्लस ये रैम सिलेंडर। 2000 केजी 2 क्विंटल की मिलेगी? हाँ, 2 क्विंटल प्लस। अच्छा। रैम सिलेंडर इसको 500 किलो का भी आप देखेंगे तो अलग से जैक लगा हुआ है इसमें। अच्छा, ये 500 केजी की इसकी क्षमता है ना? ये जो यहाँ पे जैक लगा हुआ है कंपनी अलग से दे रही है 500 किलो तक का, यहाँ कर यहाँ की इसकी क्षमता है। और अगर आप ये होल आके डाल लेते हो जी तो 2-3 क्विंटल आपको इस आगे वाले होल में, मतलब कुल मिला के 2.5 क्विंटल के लमसम इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। डबल डिस्ट्रीब्यूटर है? डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा कंपनी फिटेड, साथ में आपको स्टेबलाइजर मिल जाएंगे। अच्छा, ये स्टेबलाइजर इसमें मिलेगा, स्टेबलाइजर दिए हैं। अगर आप इसको लॉक करना चाहो, कुछ परसेंट चाल में करना चाहो, तो पहले साइकिल आते थे वो जाम हो जाते थे, अब आपको स्टेबलाइजर सिस्टम। अच्छा, वो साइकिल वाला सिस्टम इसमें से हटा दिया? बिल्कुल, आप इसको प्रिसाइजली जहाँ पर भी आपको रोकना है आप उस जगह पर इसको रोक सकते। एक इसमें जो एक्सल है इसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी दीजिए, बाकी ट्रैक्टरों के मुकाबले अलग है। एक्सल्स हैं हर ट्रैक्टर में, ज़्यादातर आपने देखा हुआ है EPI, एपिसाइक्लिक या प्लैनेटरी ड्राइव होती है पीछे एक्सल्स की, पर आपको 36-30 में इसमें हब रिडक्शन मिलेंगे। हब रिडक्शन सिस्टम है। हब रिडक्शन से क्या होता है कि आपके पिनियन पे आपको बहुत हाई स्पीड मिलती है जी, बट आपके बुल गियर पे वो हाई स्पीड लो स्पीड में कन्वर्ट होकर आपको एक्स्ट्रा टॉर्क देती है। ताकत ज़्यादा ही खिंचाई में आप अगर इस ट्रैक्टर को चलाओगे, चाहे कल्टीवेटर, चाहे हैरो, चाहे ट्रोली, खिंचाई में इस ट्रैक्टर का कोई भी मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है, खिंचाई में बेस्ट माने जाते हैं सबसे बेस्ट। 36-30 का जहाँ पर आपने नाम ले दिया। और ये ट्रैक्टर का जो है बैक लाइट है, ये भी देख सकते हो, ये इंडिकेटर आपको इस तरह से यहाँ भी LED मिलेंगे बैक में भी। ये पूरे फेंडर हैं ट्रैक्टर के, 16-28 के टायर हैं। बहुत सारे आपको फीचर मिल जाते हैं इसमें, आपको 24 तरीके की लिफ्ट सेंसिंग मिल जाती है। 24 तरीके की? बिल्कुल। अच्छा जी, वेज लॉक के साथ आपको मिलती है। अगर आप चाहो कि हमें कोई सेंसिंग नहीं चाहिए, आप वेज लॉक भी लगा सकते हो जी, और विदाउट वेज लॉक, और दो आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। सेंसिटिविटी आप इस बोल्ट से सेट कर सकते हो लिफ्ट की, लाल वाले लीवर की। अच्छा, और 4 पॉइंट आपके पास आगे दिए हुए हैं लिफ्ट के। 24 तरीके की लिफ्ट की सेंसिंग मिलेगी इसमें। और ये एक फीचर किसी ट्रैक्टर में नहीं मिलता, हाइट लिमिटर। हाइट लिमिटर, हाँ, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं बटन, ये हाइट लिमिटर कहलाता है। अच्छा, और पुराई में इससे बेस्ट फीचर आप लेके चलो कुछ भी नहीं। अगर आप पुराई का काम करना है तो इस हाइट लिमिटर से आप इसकी हाइट सेट कर सकते हो कि कितना ही उठाना है। अच्छा, पीले वाले लीवर से डेप्थ आप सेट कर सकते हो। एक बार आपने सेट कर ली तो आपको 4 इंच नीचे 10 इंच ऊपर उठाना है, तो सारा काम लिफ्टोमेटिक बटन से हो जाएगा। अच्छा, वो लिफ्टोमेटिक का इसमें अलग से बटन है वो जो, जिसने एक बार उराई का काम या हकाई का काम इस ट्रैक्टर से कर लिया वो दोबारा दूसरे ट्रैक्टर पर बैठ जाएगा। अब सर साइड में भी आ जाते हैं, दूसरी साइड में ट्रैक्टर के, और इस साइड में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो भी अपन जान लेते हैं। तो इस साइड में भी जो है जी, तो जो पहले 2020 मॉडल में 21 मॉडल में आता था उससे प्लेटफॉर्म सुपर के रेज कर दिए गए हैं, पहले से उठा दिए इसे। हाँ, इसके प्लेटफॉर्म पहले से ऊँचे हैं और गियर लीवर थोड़े शॉर्टन कर दिए इन्होंने। गियर लीवर जो इसके थे ये रॉड हैं, ये पहले से छोटी कर दी गई है, प्लेटफॉर्म आपके बढ़ गए हैं। अच्छा जी, और आपको डिफरेंशियल गियर भी मिल जाता है। डिफरेंशियल गियर मिलेगा इसमें? ये चीज़ ज़्यादातर ट्रैक्टरों में से गायब कर दी गई है, डिफरेंशियल गियर आपको मिलते हैं, बट इसमें आपको डिफरेंशियल गियर भी मिल रहा है। तो दूसरी साइड में भी वही TX का स्टिकर, 36-30 का स्टिकर, न्यूवोलैंड का यहाँ पे स्टिकर, ये लोगों के साथ में, और उधर की तरफ सुपर प्लस का स्टिकर नया वाला जैसा 56-20 में आता है। और ये हाथ की रेस आ गई इसमें, है ना? हाथ की रेस यहाँ पे है, शटल शिफ्ट नहीं आता है इसमें। शटल शिफ्ट आपको 56 सीरीज में आपको शटल शिफ्ट नहीं आएगा। और ये इसका 3 सिलेंडर का बोस कंपनी का पंप इसमें अंदर को देखने को मिलेगा। और ये तो ये इसमें 3 सिलेंडर का बोस कंपनी का इनलाइन पंप यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे मेन बात बताऊँ आपको, डीजल भी आपको 6 जगह से डीजल प्योरीफाई होकर के फिर इंजन में जाता है। अच्छा, फिर इंजन में जाता है। बिल्कुल, सबसे पहले ये फिल्टर आएगा सर, ये आपका पावर स्टीयरिंग, ये काफी बेस्ट चीज है। ज्यादातर ट्रैक्टर्स में क्या होता है, ये पावर स्टीयरिंग का जो जैक है उसका ऑयल है। अच्छा, वो उसका ऑयल है। ट्रैक्टर्स में ये गियर वाला और लिफ्ट वाला तेल ही होता है हमेशा। पावर स्टीयरिंग का सेपरेट ऑयल कंटेनर इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। इसको 10 साल भी चलाते हो तो आपका ये तेल गंदा नहीं होगा, इसमें कभी एमरी नहीं आएगी। आपका पावर स्टीयरिंग का सिस्टम एफिशिएंट और हमेशा ही आप लेके चलो फुल कैपेबिलिटी में, बिना लीकेजिंग के आपको ये प्रोवाइड करवाएगा। और ये दोनों फिल्टर आते हैं करने के लिए, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर का मैं। अच्छा, ये डीजल फिल्टर, एक डीजल फिल्टर इसके टंकी में आता है, डबल छोटा डीजल फिल्टर आपको टंकी में मिलेगा,
उसके बाद में मोटा कचरा सेपरेट करने के लिए। अच्छा ये भी फिल्टर है? हाँ, बेबी फिल्टर मिल जाएगा। अच्छा यहां पर दूसरा, पहला टंकी में दूसरा बेबी फिल्टर, तीसरा वाटर सेपरेटर आ जाएगा वो, और चौथा आपको ग्लासी में बारीक फिल्टर मिलेगा। अच्छा यहाँ पर, और पांचवा और छठा ये ऑयल फिल्टर दोनों, मतलब डीजल फिल्टर, छह जगह से डीजल फिल्टर होकर के फिर आपका इंजन में जाएगा। अच्छा,